हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कलेक्टर व एसपी ने मार्वल बॉर्डर का किया निरीक्षण। मौके पर मौजूद अधिकारियों से व्यवस्थाओं के लिए जानकारी, पेयजल व्यवस्था व बैरिकेड लगाने के दिए निर्देश। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद व पुलिस अधीक्षक हेमंत अभिलाष टांक ने आज मार्वल बॉर्डर का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कार्मिकों द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली, अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की, आवश्यक निर्देश दिए। लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते मार्वल बॉर्डर पर पुलिस व कार्मिकों ने मोर्चा संभाल रखा है। गुजरात व अन्य प्रदेशों से आने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। वाहनों में सवार यात्रियों की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट तलब की जा रही है। यात्रियों का संपर्क नंबर व पता का रजिस्टर में इंद्राज किया जा रहा है। बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के पहुंचे यात्रियों का भी रजिस्टर में इंद्राज किया जा रहा है। उन्हें होम क्वारंटीन के निर्देश देकर रवाना किया जा रहा है। इसी के चलते जिला कलेक्टर व एसपी मावल सरहद पर पहुंचे। एसपी व कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था करने व बैरिकेड लगाने के निर्देश दिए। तहसीलदार रामस्वरूप जोहर, विकास अधिकारी प्रदीप मायला से आवश्यक जानकारी ली, व्यवस्था के संदर्भ में निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएसपी प्रवीण कुमार, रीगो थाना अधिकारी रान सिंह सोड़ा, नायब तहसीलदार विकास सारन, मावल चौकी प्रभारी देवाराम आदि मौजूद थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए हेमंत बिलास टाक एसपी सिरोही, इन्होंने ये कहा, लोगों के लिए भी सेम व्यवस्था है, जिसके पास में अगर नेगेटिव रिपोर्ट है उनको प्रवेश दिया जा रहा है और उसको जिसके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनको पीसीआर टेस्ट के लिए हिदायत दी जा रही है या होम क्वारंटाइन के लिए उनको बताया जाता है। जागरूक टीवी की आबू रोड से खास रिपोर्ट।